सो गाइस, बहुत ही बहुत प्यारी जगह है यार, बहुत अमेजिंग जगह है, और खासकर हमारे पुंछ में, और पुंछ से थोड़ी ही दूर मंडी में बहुत सारी जो है मस्ती हुई है यहाँ पे, और काफी अच्छे से स्विमिंग वगैरह भी कर लिया मैंने, फर्स्ट टाइम करा। एक तरफ ये पूरा जंगल और दूसरी तरफ ये वादी, और ऊपर देखो ये माउंटेन्स। वाह यार, कितने का दे रहे बुटा? 20 का। सो गाइस, अभी हम जा रहे हैं लोरन मंडी, और मेरे साथ हैं इब्रार भाई और महबूब भाई, दो लोग और भी हैं, उनका तारुफ आपसे करवाएंगे। और अभी एग्जैक्टली उसी प्लेस पे हैं जहाँ पे हम काबुल भाई को लेके आए थे। ये जो डैम है यहाँ पे, ये उस टाइम पे वाटरफॉल नहीं था और हम यहाँ पे शूट नहीं कर पाए थे, वापस चले गए थे। सो अभी हमारे साथ दो जो और लोग हैं उनको भी साथ ले लेते हैं, और साथ में हम इन लोगों ने डिमांड किया है कि भाई हम भुट्टा खाएँगे, तो हमने भाई को बोला कि भाई जल्दी से भुट्टा बना के दे दे। तो 20 रुपये का एक भुट्टा दे रहा था, तो हम 5 भुट्टे लेंगे तो हमें थोड़ा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो साथ में हमारे जा रहे हैं आज शहराज सिकंदर भाई। हेलो ब्रदर। हेलो। और खरीदो, कर क्या रहे? आज एक और खास मेहमान है हमारे साथ, आमिर चौहान भाई। और आमिर भाई हमारे रैप स्टार हैं पुंछ के, और इनका भी यूट्यूब पे चैनल है आमिर चौहान, आप वो भी जाके देख सकते हो, काफ़ी अच्छे अच्छे रैप करते हैं ये। और शहराज भाई निकले फिर, कैसा पानी? तो भाई पानी वानी पी लिया, अभी इस भाई से भुट्टा ले लेते हैं। तो भाई रेडी हो गए क्या? रेडी। कौन से? मैंने बोला था सेक्सी सेक्सी रखना हमारे लिए। क्या करना? रख लो, 5। क्या करना? चलो 5 ही ले लेते हैं। 2 जी, 5 भुट्टे तैयार करके दे दो हमें। देना वो वाले जिनमें मजा भी आए। मेहनत है यार भाई की, देखो इस जगह पे भी इतनी बढ़िया किस्म की इसने शॉप डाली हुई है, और हर चीज रखी हुई है, फ्रूट हो गए, बिस्किट वगैरह हो गई, सब्जियाँ, और साथ में भुट्टे भी। तो भाई मेहनत करके खाने का ना मज़ा ही अलग होता है। सो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है भाई, मेहनत करो। तो गाइस ये रहा फर्स्ट लुक हमारे मंडी मार्केट का, और यहाँ से शुरुआत होती है मंडी की, और उससे आगे अगर हम जाएंगे तो लोरन और सब्जियाँ वगैरह के जो एरिया है वो उससे आगे आएगा, बट जो मेन प्रॉपर मंडी है और मंडी बाज़ार वगैरह वो यहाँ से शुरुआत होगी उसकी। तो यहाँ से हमने क्रॉस करना है ब्रिज। मेरी आंखों में पानी, क्या लिखूं मैं कहानी, वो जानता है दर्द क्या आंसुओं को पीने में। यहाँ से अगर हम राइट साइड में लेंगे तो पहुँचेंगे फतेहपुर, और दूसरी कौन सी जगह है महबूब? सेड़ी फतेहपुर साइड, बट हमने सीधे लेफ्ट साइड में लिया है, और ये मार्केट है पूरा मंडी का। बहुत बड़ी मार्केट नहीं है, मगर एकदम कश्मीर जैसे ही है सर। और आज संडे है, और संडे के चलते पूरा क्लोज है, तो बस ऐसा फील हो रहा है जैसे हमने कश्मीर में कदम हम रख चुके हैं। और बस यही है छोटी सी मार्केट, यहाँ पे एंड हो जाता है इस मार्केट का, मंडी मार्केट का। और इसके आगे एक बाजार आएगा, उसको कहते हैं पड़ी बाजार। वो जानता है दर्द क्या आंसुओं को पीने में, कैसे जानूं उसके दर्द जो दफन है सीने में, दफन है सीने में, दफन है सीने में। क्या लिखूं मैं उसकी कहानी, वो शख्स है जो कैसे जानूं उसके सीने में दफन दर्द है जो कैसे देखूं। तो गाइस ये रहा सामने बूढ़ा अमरनाथ मंदिर, और अंदर जाने की कोशिश करेंगे अगर अंदर से दिखा पाए आप लोगों को। शहराज भाई और महबूब भाई दोनों जिम करने स्टार्ट हो गए हैं यहाँ पे। तो भाई ऐसा व्यू हो और साथ में जिम भी हो तो कौन मजा नहीं लेगा। तो ये लोग भी सारे चिल करने पे आ गए, तो अब मैं भी कोशिश करता हूँ कि डंबल वम्बल उठाता हूँ, और साथ में कोशिश करेंगे हम इसमें थोड़ी सी ना डुबकियाँ बुबकियाँ मारने का। देखो यार महबूब भाई, ये जो बंच किसी ने बनाया ना, जी जी, एकदम कभी भी जिम करने का सोचना भी नहीं, ठीक है? वो क्यों? हड्डियाँ टूट जाएंगी, टूट की। अच्छा। बना रहा हूं। जो है थोड़ा सा ना बाइसेप वगैरह कर सकते हैं इसे, बाइयो ट्राई उठाए जरा, यस हाँ, एक 10 मारना यार, ये हिल रहा है, इसको अपनी जगह पे रखो, और हमें इंट्रोडक्शन दो कि ये कौन सी जगह है, और ये जो मंदिर है इसके बीच में। ये है बुड्ढा अमरनाथ यात्रा मंडी में, तो यहाँ पे जो अभी ये स्विमिंग पूल, जो भी गंगा, जो भी बोलते हैं इसको, तो हम इनको पूरी नॉलेज नहीं है, हम किसी नॉलेज वाले बंदे को लाते हैं और पूरी नॉलेज लेते हैं।
ये मंडी बाज़ार बस क्रॉस करते ही ये जगह आएगी और ये श्री बूढ़ा अमरनाथ मंदिर के बिल्कुल साथ में ही है और मंदिर का ही एरिया है ये पूरा। और अभी महबूब भाई जा रहे हैं यहाँ पे स्विमिंग करने। बहुत अजीब किस्म का जानवर है ये। पानी ठंडा है क्या? हाँ, और आगे जा। हम भी ट्राई करते अगर हो पाए। सो गाइज, बहुत प्यारी जगह है यार, बहुत अमेजिंग जगह है और ख़ासकर हमारे पुंछ में और पुंछ से थोड़ी ही दूर मंडी में। और एकदम नीट एंड क्लीन है, मतलब जो भी ये बनाया हुआ है स्ट्रक्चर बहुत बढ़िया है यार। और साथ में ही श्री बूढ़ा अमरनाथ जी का मंदिर भी है और वहाँ पे भी आप जा सकते हो। हेलो गाइस, तो आई एम सनी। भाई बहुत टफ काम है स्विमिंग का भी, और अभी जस्ट अंदर जाना चाहता हूँ मैं। और ये जानवर लोग हैं, ये पानी के जानवर हैं, तो इसको मैंने बोला भी मेरे को सिखा दे, बट इसने नहीं सिखाया। तो चश्मा गिर गया है यार। बहुत सारी जो है मस्ती हो गई है यहाँ पे, और काफ़ी अच्छे से स्विमिंग वगैरह भी कर लिया। मैंने फर्स्ट टाइम करा है और सीख रहा था, बट पूरी तरह से ना तो मुझे महबूब भाई ने सिखाया है और ना ही इब्रार भाई ने। ये दोनों एकदम भर के जो है ना वो बंदे हैं, उन्होंने कम से कम मुझे सिखा ही देना था। तो अभी हम जाएंगे लोरेन डाक बंगलों में, रात को स्टे वहाँ पे करते हैं और कल का सफ़र वहाँ से आगे स्टार्ट करेंगे। जैसे जैसे शाम हो रही है और पानी का जो कलर है ना भाई, एकदम से ना डार्क ब्लू टाइप का हो गया पूरा। और ये देखो यार, वाओ। और शहराज भाई और आमिर भाई, कैसा रहा भाई आज का? बहुत बढ़िया रहा। अभी हमारा सीन ये हो गया कि बिल्कुल प्लान नहीं था यहाँ पे शूट करने का, बिल्कुल लोकेशन देखने के बाद हमने शूट कर डाला। मतलब वो गाना जो आज से नेक्स्ट है। हाँ, बहुत मज़ा आ गया, मुझे पता नहीं था कि ऐसी ही कुछ जगह है यहाँ पे। आप भी आए ज़रूर, बहुत प्यारी जगह है और बहुत मज़ा आ रहा है सीरियसली। सो अब नेक्स्ट है हमारा प्लान यहाँ से निकलने के लिए, और सीधे कहाँ पे जाएंगे? हम जाएंगे डायरेक्टली लोरेन जा रहे हैं, लोरेन डाक बंगलो पे हमने बुक किया है। ओके, सो लोरेन डाक बंगलो में सबसे पहले पहुंचते हैं, वहाँ पे जाके कुछ चाय पानी करते हैं और वहाँ पे एंड करते हैं आज के इस ब्लॉग को, और मिलते हैं नेक्स्ट वहाँ से एक नए सफ़र के साथ। और अभी हम लेंगे चाय की चुस्की। कैसे कैसे जी? स्वाद ही आ गया भाई, हरियाणा वाले तुम देखो। बहुत बढ़िया चाय है ये, बिल्कुल श्री बूढ़ा अमरनाथ मंदिर के बिल्कुल सामने है ये शॉप जहाँ पे अभी हम बैठ के चाय पी रहे हैं और गर्मा गर्म पकौड़ों का जो है ना वो आनंद ले रहे हैं। भाई ठंडे पानी में स्विमिंग करने के बाद जो चाय पीने का मज़ा है ना, वो ऐसी आपको कभी भी आ ही नहीं सकता। मतलब मैं आपको एक्सप्लेन कर ही नहीं सकता कि भाई कितना मज़ा आया भाई चाय पी के। और अभी हम निकले हैं आगे, और ये जो रोड आप देख रहे हो ये पूरा मंडी से लोरेन वाला रोड है। ये रोड कहाँ पे जाएगा यहाँ से महबूब? अड़ाई। वेलकम टू ब्लॉक लोरेन। सो यहाँ से स्टार्ट होगा हमारा लोरेन। मुझे लग रहा है डाक बंगलो भी यहीं पे है यार। हाँ, ये आ गया ना डाक बंगलो सामने। सो गाइस, ये रहा अपने लोरेन का डाक बंगलो। अगले वाले में नीचे वाली साइड, ऊपर वाली साइड, राइट राइट राइट। सो एंट्री करते हैं भाई, सीधा वो उधर ले जाना, वो सामने बाहर कहाँ पे। एक तरफ ये पूरा जंगल और दूसरी तरफ ये वादी, और ऊपर देखो ये माउंटेंस, वाओ। और ये रहा ट्रैक डाक बंगलो लोरेन का, और आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ क्योंकि काफ़ी अंधेरा हो गया, मुझे लग रहा है कि इसमें अच्छे से नहीं आएगा, तो बाकी कोशिश करूँगा मैं सुबह सब कुछ दिखाने की। तो ऐसा कुछ माहौल है भाई यहाँ का, बाकी सब लोग चले गए अंदर और मैंने सोचा यार सबसे पहले आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ हम कहाँ पर आए हैं और कहाँ पर रुक रहे हैं, और लोरेन का जो डाक बंगलो है वो कैसा है और इसमें हम ठहरे हैं। और आपको
थोड़े से ना अंदर के भी दर्शन दूंगा यहाँ के, सब कुछ दिखाया जाएगा। वेट, तो ये है भाई जहाँ पे आज रात हम रुकने वाले हैं। ये सीटिंग एरिया है पूरा, और ये डाइनिंग एरिया, और उसके बाद यहाँ पे दो रूम है, एक रूम ये आ गया। हेलो, ये कौन सोया है भाई? हेलो गाइस, मेरे को ना सर्दा हो गया, अगर पानी में नहा। आमिर भाई कहाँ हैं? बाथरूम में शायद। अच्छा, आमिर भाई नहा रहे होंगे। हाँ जी भाई, भाई प्रोडक्शन मैंने रखी है पास में। लेकिन टाइमिंग थोड़ी गलत है यार, एक घंटे पहले हमें यहाँ पे आ जाना चाहिए था, तो थोड़ा बहुत ही इस टाइम को भी ना एंजॉय कर लेना। शुरू हो गए, अच्छा उनको ज्यादा ही मजा आ रहा था पानी में, इसलिए हम लेट हुए। ये ना होते तो शायद हम दो घंटे पहले पहुंच गए। अभी मैं सोच रहा था आज का जो व्लॉग है उसको एडिट करके डाल ही देता हूँ, बट डिनर का टाइम हो गया और डिनर लगा भी दिया हुआ है, सो लैपटॉप को करते हैं क्लोज। तो सबसे पहले क्या काम कर लेते हैं, डिनर कर लेते हैं। और क्या आया भाई डिनर में आज? बस ये थोड़ा सा किचन है, आई मीन चिकन है। चिकन इसको साइड रख लो। ओके, ये बीच में रख लो। सो आज यहाँ पे एक्चुअली हम लेट आए, और उस टाइम पे हम कोई ऑर्डर तो दे नहीं पाए, जो था अवेलेबल वही मिला। मैं सोचा था अरे सुनो, चार पांच दिन लग सकते हैं, सात थोड़ी फ्री हो जैसा इधर हो गए थे मेरे शूट पता था, लेकिन तो भाई डिनर हो गया है और मस्त वाली नींद आ रही है, बस अब बिस्तर में जाना है और सो जाना है, और मिलते हैं नेक्स्ट एक अमेजिंग व्लॉग के साथ। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो बाय बाय गाइस, कल मिलते हैं एक और अमेजिंग व्लॉग के साथ। है जो कैसे जानू उसके सीने में दफन दर्द है जो